मेरठ सर्किट हाउस में अपना दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। अपना दल के जिला अध्यक्ष सुधीर पवार ने बताया कि आने वाली 17 अक्टूबर को बनारस में अपना दल संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के परिनिर्वाण दिवस पर विशाल श्रद्धांजलि महासभा का आयोजन होगा, जिसमें पूरे प्रदेश से लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस श्रद्धांजलि सभा की मुख्य अतिथि पार्टी की संरक्षक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी होंगी। अपना दल एनडीए का घटक दल है और लोकसभा चुनाव भी भाजपा के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 1931 के बाद पहली बार 2021 में ओबीसी की जनगणना अलग से कराए जाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा का स्वागत किया गया। अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य श्री आशीष सिंह पटेल के निर्देशानुसार सक्रिय सदस्य बनाकर व सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर विचार किया गया तथा मेरठ में 7 विधानसभाओं को 4-4 जोन में बांटकर बूथ स्तर तक गठन करने का निर्देश दिया गया, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में मजबूती मिल सके। न्यायपालिकाओं में दलितों व पिछड़ों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करने व केंद्र में पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बनाए जाने की मांग की गई। थानों में थाना अध्यक्ष 50% SC ST व OBC के नियुक्त किए जाने की भी मांग की गई। मेरठ में सर्किट हाउस चौराहे का नाम पटेल चौराहा रखने तथा भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगवाए जाने की मांग भी की गई। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष सुधीर पवार के अलावा मुरारी लाल पटेल, वीरेंद्र चौधरी, हरी सिंह, अलका पटेल, सुनील गुप्ता, सनी लाल, गौरव पटेल, वलीचंद पाल, प्रशांत लोधी, रामपाल गुज्जर, विकास शर्मा, इंतखाब खान, आर.के. शर्मा, शोएब आलम, जुबेरी, रियाजुद्दीन, हनी अग्रवाल, आजम हुसैन, प्रवीण ललसाना, ओम प्रकाश राणा, SC शर्मा, लोकेश त्यागी, सुशील स्टीफन, रंजना, अनिल पुरोहित आदि उपस्थित रहे। ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल मेरठ से कैमरामैन नितिन कुमार के साथ विजय वर्मा की रिपोर्ट।